तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आमेर के किला, जो कि जोधा बाई का जन्म स्थल है, उसके बारे में 10 दिलचस्प बातें बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि जो आमेर किले का छत है, इसके ऊपर सोने के पानी का लेप लगाया गया है, जिस वजह से थोड़ा सा भी धूप इस पर पड़ता है तो ये किला, इसकी छत बहुत ज़्यादा चमकती है। और एक बात मैं बता दूं कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दूसरी बात इसकी ये है कि जब आप जलेबी चौक से आमेर किला के तरफ प्रस्थान करेंगे तो वहाँ पे आपको एक मंदिर मिलेगा जिसे शीला देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की ये प्रथा थी राजाओं के समय कि राजा यहाँ पर भैंसे की बलि देते थे, बलि चढ़ाते थे। हालांकि अब उस प्रथा पर रोक लगा दी गई, वो प्रथा को बंद कर दिया गया, लेकिन मैं बता दूं कि पहले ऐसा होता था, वहाँ पर भैंसे की बलि दी जाती थी। तीसरी बात मैं बता दूं कि जब राजा या कोई भी राजा के जो ज़्यादा समीप थे वो लोग जब इस किले में प्रवेश करते थे तो एक ढोल बजाया जाता था, जिस ढोल का नाम है स्वागत ढोल। उस ढोल को आज भी आमेर किले में रखा गया है, आप लोग जाएंगे तो जाके वो ढोल को देख सकते हैं। आमेर किले में दीवान ए आम एक ऐसी जगह है जहां राजा अपने प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और उस समस्या का निवारण करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि दीवान ए आम एक ऐसी जगह है जो कई स्तंभों से मिलकर बना है और उस स्तंभ पे आगे हाथी का डिजाइन बनाया गया है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप लोग जब जाएंगे आमेर किला तो आप लोग जाके उस दीवान ए आम को देख सकते हैं जहां राजा अपने प्रजाओं का दुख का निवारण करते थे। अभी मैंने आपको दीवान ए आम के बारे में बताया, अब मैं बता रहा हूँ आपको दीवान ए खास के बारे में। तो दीवान ए खास एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी राज्य के प्रमुख लोग, जो राजा के ज़्यादा समीप थे और उनके प्रमुख थे, उनके लिए दीवान ए खास बनाया जाता था। अगर वो लोग इस महल में आते थे तो वो लोग यहाँ पे विश्राम करते थे। तो दीवान ए खास के मैं बारे में आपको बता दूँ तो इसे सर्द कमरा भी बोला जाता था। उस कमरे में दीवालों पे छोटे छोटे कांच के शीशे के टुकड़े लगाए गए हैं। सर्दियों के दिनों में उसे लैंप द्वारा या आग जलाकर उसे शीशा को गर्म किया जाता था, जिस वजह से वो एकदम गर्म रहता था। वो ऐसा कक्ष था, वो पूरा गर्म रहता था ठंडी के दिनों में भी। मैं आपको बता दूं कि 17वीं शताब्दी में राजा जयसिंह द्वारा इस महल में केसर खेती की कोशिश भी की गई थी, लेकिन ये उनकी कोशिश नाकामयाब हुई क्योंकि केसर की खेती करने के लिए ठंडी जगह चाहिए और राजस्थान के बारे में आप तो जानते ही हैं कि राजस्थान सबसे गर्म जगह है भारत का, इसलिए इनका ये सपना सफल नहीं हुआ था 17वीं शताब्दी में। अब मैं आपको शीश महल के बारे में बताता हूँ। शीश महल के मेन गेट पे गणेश भगवान की प्रतिमा लगाई हुई है। इसमें 3 दरवाजे हैं। जब राजा युद्ध से लौटते थे तो उनकी रानियाँ यहाँ से उनको देखती थी शीश महल से, और इसके ऊपर वाले भाग को सुहाग कक्ष भी बोला जाता था जहाँ पे सिर्फ विवाहित महिला ही बैठा करती थी। आपको जो है आमेर किले में मुगल स्टाइल चिमनी भी देखने को मिलेगी जिसमें पहले के ज़माने में पानी को गर्म किया जाता था। अगर आपको इसका फुल ब्लॉग भी चाहिए तो मेरे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये है मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम, इसे आप जाके इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।